नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक सलोरा कंपनी के सीआरटी टीवी को रिपेयर करने वाले हैं। दोस्तों, कुछ टीवियाँ ऐसी होती हैं कुछ जो रिपेयर करने में दिमाग कचड़ा कर डालती हैं, तो आज ये हमारे पास भी कुछ ऐसी ही टीवी है। प्रॉब्लम दोस्तों इसमें ऐसी है कि दिमाग खिला डालती है। बस सिंपल सी प्रॉब्लम है। होता क्या है इसमें कि हम अपने यहाँ चलाते हैं तो चलती है, कस्टमर ले जाता है तो नहीं चलता है, बस साउंड आती रहती है। लेकिन आज बड़ी मुश्किल से जब दूसरे दिन हम इसको आज चलाने जा रहे हैं, सिर्फ पावर की लाइट जल रही है लेकिन ऑन नहीं हो रही ना ही कुछ इसमें साउंड वगैरह, कुछ सब कुछ गायब है। तो आज फॉल्ट जो है सामने आया हुआ है। तो आज देखते हैं आखिर ऐसा क्या फॉल्ट है जिसने इतना दिमाग ख़राब किया। दोस्तों, ये टीवी कस्टमर के यहाँ नहीं चलती थी, हमारे यहाँ आते ही चलने लगती थी। तो चलिए देखते हैं क्यों दिमाग इसने ख़राब किया। और देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये पावर की इंडिकेटर इसकी जल रही है। पीछे से मैंने इसका लीड लगा लिया है, यहाँ से देख सकते हैं लीड लगाई है। ये अपना D2H ऑन है। ठीक है, तो चलिए आखिर देखते हैं क्या समस्या है कि आज ये ऑन नहीं हुई। ठीक है, कैमरे को सेट कर लेते हैं। ओके, कैमरा एडजस्ट टाइट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्यों इसने दिमाग को ख़राब करके रखा हुआ है। ठीक है, और दोस्तों हमने इसके सारे स्क्रू को ओपन कर लिए हैं। बस यहाँ पर एक जम्पर लगाया हुआ है, इस जम्पर को निकाल लेते हैं। ये जब हमारा कोई स्क्रू टूट जाता है जहाँ पे लग नहीं पाता है, तो उसके लिए हम ये जम्पर का यूज करते हैं। ठीक है, ये नई टेक्निक अपनी टीवी को बंद करने के लिए, जान लीजिए आप सबको काम आएगी। ठीक है, वायर को हमने निकाल दिया है और इसको भी निकालते हैं। अच्छा, वायर इसकी पीछे वाली सर्किट जो ये लगा हुआ है अपना RC जैक, इसमें ये टाइट है RC पिन। सर्किट को निकालते हैं बाहर, अब निकल जाएगी। तो इस सर्किट में ये 5 तार वाली सप्लाई भी लगी है, और क्यों ऐसा समस्या है इसमें आइए देखते हैं। आज तो मेरे हिसाब से शायद ये ऑन ही नहीं हो रही है। लगाते हैं अब पावर में, अब देखते हैं। अभी तो नहीं ऑन हुई, ऑन होती तो इसमें चुक से एक आवाज़ आती है। जैसे देखिए ऑन हो गई अब। इसकी क्या बताएं, दिमाग का दोस्तों, अब ऑन हो गई है। अभी तक ऑन ही नहीं हो रही थी, अब देखिए ऑन हो गई। डिस्प्ले चलेंगे, देखिए डिस्प्ले नहीं आ रहा है क्या? डिस्प्ले तो नहीं आ रहा है लेकिन ऑन हो गई है मेरे हिसाब से। फिलामेंट देखें जल रहा है, फिलामेंट को साफ किया यहाँ पर। फिलामेंट वैसे तो नहीं दिख रहा है, इतनी मेहनत से ये फॉल्ट आया था, मतलब काफ़ी परेशान किया कस्टमर को भी, और सामने हमारा ये फॉल्ट आया। आने के बाद फिर चला जाएगा तो कैसे हम इसको सही करेंगे? क्योंकि दोस्तों जब तक सामने फॉल्ट नहीं रहेगा तब तक कैसे सही करेंगे, आप सब जानते हैं, बिना फॉल्ट के सही होगी नहीं। ये अपनी 110 की सप्लाई 128 वोल्ट ज़्यादा है, जो है कि ज़्यादा है 128 वोल्ट। आउटपुट पे पहुंच रही है सप्लाई। और सब ये माइनस में 14 वोल्ट, ये प्लस में 13 वोल्ट, मतलब वर्टिकल की सप्लाई हो गई 10 वोल्ट और ये साउंड की 18 वोल्ट। ओके है, तो फिर नौटंकी क्यों? अच्छा, AC 180 चेक करते हैं। तो AC 100 AC कर रहे हैं, तो DC 180, तो DC 127 वोल्ट और AC 4 वोल्ट की सप्लाई अगर चेक करूँ तो DC 4 वोल्ट, यार ये वाला नो, टीवी ऑन नहीं हुई है अभी। ऑन होती तो ये सप्लाई आ जाती, और ये 124 वोल्ट वाली जो इस समय है 180 हो जाती, मतलब ये ऑन नहीं हुई अभी तक। तो क्यों अभी तक झटका दिया इसका, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कुछ इसमें ड्राई हो? हिला के एक मिनट देखता हूँ। तो ऐसे तो कुछ हिलाने पर भी नहीं कुछ समझ आ रहा है। तो क्या करता हूँ कि इसको मैं करता हूँ ओपन, इसकी PCB को भी।
127 इसके जो कॉइल भी सप्लाई पहुंच रही है इसकी पीस, यह सर्किट को ओपन करता हूं बिल्कुल, पीछे से देखेंगे आखिर कुछ तो दिख जाए। ठीक है देखते हैं, कुछ दिखेगा तभी दोस्तों काम बनेगा। आज अभी ऑन नहीं हुई है, अभी एक झटके में आना ऑन हुई थी लेकिन फिर से ऑफ हो गई है। इसकी सप्लाई को निकालते हैं और ये जैक वगैरह जो हैं इनको बाहर छड़का देते हैं, साफ सब का काम नहीं, आप हट जाइए। वर्टिकल आईसी बिना लोड के ही क्यों हीट हो रही है? इनपुट ट्रांजिस्टर भी हल्का हीट हुआ, अभी इतनी देर में हीट हो गया। ज़्यादा हीट नहीं है, हल्का हीट है। अगर आप सप्लाई चेक करें तो देखिए अब ऑन हो गई है, कैसे बताऊँ, ये देखिए 180 की 100, 100 कितना 93 वोल्ट, दिख रहा है कि नहीं आपको, ये देखिए। यही फॉल्ट है दोस्तों, कभी कभी ऑन हो जाएगी कभी कभी नहीं ऑन होगी, तो दिमाग का दही करके इसने कर दिया है, बिल्कुल रख दिया है, क्या बताएं। इसका जो है कि लाइट भी आगे आ चुका होगा, देख सकते हैं ये भी आ चुका है लिखकर, अब क्या किया जाए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार इसकी पीसीबी को मैं आपको दिखा दूँ। देखिए मेरी निगाहों से नहीं दिख रहा, हो सकता है कैमरे की निगाहों से दिख जाए कुछ। ड्राइव मैंने करके दिया था लेकिन अभी तक भी ये सही नहीं हुई, कितना ड्राई है देख सकते हैं आप सब। और ये 110 वाली सप्लाई कुछ बैठी की उतनी ही है, क्योंकि ज़्यादा था ये, क्योंकि ये कितना है 118 वोल्ट ओवर है, हालांकि मैंने इसको नहीं लगाया, किसी और ने लगाया है। तो ये इधर तो ठीक है, 13 वोल्ट बीच में माइनस होता है। सप्लाई वर्टिकल की भी ओके है, मतलब वर्टिकल आईसी सही है, तो ऐसा नौटंकी क्यों हो रहा है यहाँ पर? अब बंद हो जाओ यार, तभी तो चेक करेंगे हम, बंद हो जाओ, बंद ही नहीं हो रहा है दोस्तों। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि देखता हूँ आखिर कहाँ से ये नौटंकी इसकी चल रही है। सप्लाई तो नहीं बंद होती है लेकिन ये टीवी ही बंद हो जाती है, हल्का हल्का सीरीज जल रहा है, इससे मालूम भी हो रहा है कि ये अपना है। अब देखते हैं ऑन होती है या नहीं, फिर ऑन हो गई, अब कैसे बंद करूं, यहाँ पर गलती से टच हो गया इसका, देखते हैं फिर ऑन होती है या नहीं। ये ऑन हो गई है, फिलामेंट जल रहा है, चलिए बच गया, नहीं तो गलती से टच करने पे फिलामेंट ख़राब हो जाता है। तो अभी कोई पॉइंट ऐसा देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ऐसा है कि ये छोड़ रहा है, पकड़ रहा है, दिमाग की दही करके रख दिया है इसने। अभी तक ऑन ही नहीं हो रहा था, फिर ऑन हो जा रहा है बार बार, क्या करूँ मैं इसका? लेंस लगाना पड़ेगा लगता है, आँख की निगाह से काम नहीं होगा, लेंस वाले से काम होगा। अब कैमरा तो वैसे भी कमज़ोर है, जूम करके एक बार देखते हैं हम लोग, ये लेंस रहा, अब इससे देखेंगे, ये भी गंदा हो गया है, धूल मिट्टी, अच्छी तरह से देखेंगे, हो सकता है बहुत हल्का छोड़ पकड़ रहा हो, क्योंकि सर्किट हिलाने पे भी ऑफ नहीं हो रहा है, इसका मतलब बहुत हल्का सा ही है दोस्तों, जहीं जो कहीं पर डिस्टर्ब कर रहा है। इधर की सप्लाई तो बन रही है क्योंकि यहाँ पर और योग पर योग पहुँच रही है सप्लाई, मतलब यहाँ तक सप्लाई है। तो इधर आईसी से भी हो सकता है, आईसी का देख लेते हैं, आईसी अभी नहीं देखी गई है। देखने में तो आईसी भी नहीं डिस्टर्ब देख रही है, तो कहाँ पर है ये? छोटी वाले सर्किट है ये, जो है कि इसमें नहीं दिख पा रहा आखिर ड्राइव कहाँ पर है। ऐसा भी हो सकता है कोई प्रिंट टूटा हो, कभी कभी हो जाता है।
काफ़ी बारीक निगाहों से अब देखना पड़ेगा, समझ लीजिए माइक्रो माइक्रो लेंस, वही हाल है अब इनका। देखते हैं अब नहीं मिलेगा दोस्तों, तो सिंपल सा है कि कभी कभी ये आईसी का पॉइंट ढीला रहता है लेकिन दिख नहीं पाता है, तो डायरेक्ट आईसी को सोल्ड करते हैं हम लोग। बहुत हल्का सा होगा तो दिखेगा भी नहीं ये, क्योंकि उतना माइक्रो है नहीं ये अपना लेंस, नॉर्मल ही है। कितना है आप सब देख लीजिए, कितना लेंस कर पाता है आप सब खुद देखिए। ये नॉर्मल है, एक मिनट नॉर्मल क्लियर हो जाए, क्लियर हो यार, बहुत परेशान करके रख दिया है इसने। तो ये क्लियर हुआ और ये देखिए लेंस आते ही बस इतना जो है कि कर देता है, देख सकते हैं तभी काफ़ी है इतना, देख सकते हैं अब ऐसे कितना है, और इसको आने से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आईसी पे यहाँ कुछ पिन देखिए, ऐसे अब देखने पर दिख रहा है कि कुछ पिन हैं इधर साइड के, ये कुछ पिन हैं, इनको देखते हैं एक मिनट, पूरी आईसी ही सोल्ड कर देते हैं। और ऐसे ये सोल्ड अभी तो ऑन हो जा रही है, लेकिन ऐसे कंफर्म भी नहीं होगा कि सही हो गई है या नहीं सही हुई है, तो इसके लिए हमको कुछ देर टीवी को चलाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ देर जब चलाएंगे और फिर ऑफ करके रखेंगे तब ये जाके कंफर्म भी होगा, क्योंकि ऐसे ये कंफर्म भी नहीं होने वाली है। तो ये फॉल्ट मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें कोई सामान तो नहीं ख़राब है, बस ये ड्राई का ही मैटर है। ये अभी मैंने सोचा आईसी हीट हो रही, तो आईसी से नहीं है ये, अपनी कोई कंपोनेंट जो है ऐसा है छोड़ रहा है, पकड़ रहा है, आईसी भी हो सकता है, इसलिए मैं आईसी को सोल्ड कर रहा हूँ, मेन सिस्टम आईसी, ठीक है। आईसी को बिल्कुल आराम से सोल्ड करना पड़ता है, नहीं तो फिर ये ज़रा सा भी एक शॉर्ट रहेगा तो आईसी ख़राब हो जाती है, तो इन सब का ध्यान देना पड़ेगा आपको कि आईसी पे सोल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है, और कोई दिक्कत नहीं है। सोल्ड करने के बाद एक बार लेंस हो तो आप उससे देख लीजिएगा कि कोई पॉइंट सटा न हो, ठीक है। ये दूसरी तरफ का भी कर लेता हूँ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है इसका, अब दिख नहीं रहा है तो अंदाज ही जो उसको चलाना पड़ेगा, अब यही एक रास्ता बचता है, ठीक है। तो इसको मैं करके देखता हूँ, और लास्ट में जो रिजल्ट निकलेगा वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप सबको ये जानकारी हो ही जाएगी कि आखिर अंत में क्या था, क्या हुआ इस टीवी के अंत में, आईसी तक ही सीमित है कहीं और तक गया, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और इसको मैं यही ड्राई सोल्ड करने के बाद इसको चलाऊंगा कुछ देर, और ठीक है जो भी रिजल्ट निकलेगा एक दो दिन बाद बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि जब तक ये हम भी नहीं क्लियर हो जाएंगे तब तक ये कन्फर्म आपको भी नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे धोखे में नहीं रखना है दोस्तों, आपको बिल्कुल क्लियर करना है आप सबको, और हमको भी क्लियर होना है, ठीक है। तो चलिए ये ड्राई सोल्डिंग हो गई है, एक पॉइंट यहाँ पर अपना सटा हुआ है, तो इसको हम सही कर लेंगे, और बाकी देखेंगे अभी क्या समस्या निकलती है इसमें चलाने के बाद। और कहीं पर आपको दिखता है तो सोल्ड कर लीजिए, ये नहीं कि मैंने आईसी को ही किया है तो आईसी को ही करिए, जहाँ कहीं पर मिले, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कहाँ पर ये हो सकता है इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए, ठीक है। जहाँ कहीं पे भी मिले वहाँ पे कर लीजिए, कोई इसे पूछने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ठीक है मैं इसको कर लेता हूँ, ड्राई सोल्डिंग का ही मैटर है इसमें और कुछ नहीं। तो दोस्तों हमने इसको ड्राई सोल्डिंग करके बिल्कुल क्लीन कर लिया सब कुछ, तो ठीक है जो रिजल्ट निकलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों अभी तो हमने इसको टाइट कर लिया है बिल्कुल फर्स्ट क्लास, और टाइट करने के बाद इसको अब हम लगा देंगे टेस्टिंग पर, क्योंकि चलाना है इसको, चलाने के बाद ही सब कुछ कंफर्म होगा, देखिए ऑन हो गया है, पटलाल जी आपको अगर सोडा नहीं पीना ठीक तो है। मत। अभी मैं इसको लगाऊंगा टेस्टिंग पर, ठीक है, टेस्टिंग हो जाएगी, इसको एक दो दिन में चलेगा, फिर कस्टमर के पास से जैसा रिजल्ट आता है फिर उसको मैं आपको क्लियर करने के बाद शेयर करूँगा, ठीक है।